जय माता दी। दोस्तों दोस्तों आज मैं आप सभी को श्री दुर्गा सप्तशती का तृतीय अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंड माला शोभा पा रही है। दोनों अस्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके वान समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बिंध डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने सूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह सूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस सूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी सूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के सूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट कर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने सूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने वाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथों के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया और कराल भी दांतों मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचुमर निकाल डाला। भिंदीपाल से वास्कल को तथा वानों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धर से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मारकर किन्हीं के ऊपर
घोड़ों का प्रहार करके किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंहों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खूरों से खोदने लगा तथा अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बिंद डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूर से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूर काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्त माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सिंहों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने सूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुरवध नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।